भाइयों और बहनों, स्वागत है एरिज़ोना के फूल पत्ते वाले पहाड़ों में। आज बहुत ही दिनों के बाद वेरेब्रा के परिवार इस पहाड़ी पे आ रही है, लेकिन इस पहाड़ी की नष्ट ऑलरेडी हो चुकी है। सारे पत्ते सूख के गिर चुकी हैं और ये फूलों का सीजन नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ एरिज़ोना का फूल पत्ता वाला पहाड़ नहीं है, लेकिन एरिज़ोना का सूखा पत्ता वाला पहाड़ है। इसीलिए इस सीजन पर यहाँ पर नक्सलाइट्स की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ज़ेब्रा जो यहाँ पे आएंगे और यहाँ की टूरिंग करेंगे और एरिज़ोना को एक्सप्लोर करेंगे। एक महीना पहले जब ज़ेब्रा यहाँ पे आना चाहता था अपनी फैमिली के साथ, तब उनकी फैमिली में उनको एक बुरा सा सपना आया था कि उनके बच्चे यहाँ पे खो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी ट्रिप को एक मंथ के लिए पोस्टपोन करके रखा है। तो देखिए जैसे ज़ेब्रा यहाँ आते हैं और क्या वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपना टूर कर लेंगे। देखिए मूवी एनिमल प्लैनेट एंड द एडवेंचर्स एट द एरिज़ोना। हेलो, मैं हूँ डक। मैं स्वान की एक छोटी बहन हूँ। आपने देखा होगा कि हर एनिमल प्लैनेट की एपिसोड में स्वान आपको गाइडेंस देती है, लेकिन इस मूवी में मैं गाइडेंस दूंगी। मैं स्वान की छोटी बहन हूँ, मेरी नाम डक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। इस पूरे मूवी के 20 पार्ट्स में मैं आपको गाइडेंस दूंगी और मूवी का वॉक थ्रू दूंगी। तो देखिए जैसे ज़ेब्रा वाले पैकिंग करते हैं एरिज़ोना जाने के लिए। अच्छा सोरा। हाँ पापा। मैंने जैसे कल कहा था कि सारे बैग्स के ऊपर हमारा नाम, एड्रेस, डेट ऑफ पैकिंग, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे वैसे बसेस को यहाँ पे मत लाने के लिए मैंने कितनी हजार बार कही है, ले जाओ उस बस को। जी हाँ सर। ओ बेचारी सोरा तो गिर गई। तुम ठीक हो ना सोरा? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, मैं बहुत 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 ठीक हूँ। फिर से गिर गई। आजकल मेरे पैर और नेक में बहुत चोट लग चुके हैं, इसलिए मैं बात बात पे गिरती रहती हूँ। तो हाँ पापा, जैसे आपने कहा था, मैंने सारी पैकिंग डिस्क्रीटली कर लिए हैं और कुछ कहने के लिए है लेकिन मैं भूल रही हूँ। अरे ये बस फिर से क्यों आई? ओह सॉरी सर। हाँ पापा, मैंने सारी पैकिंग डिस्क्रीटली कर ली हैं और उसमें जो कुछ भी चीज़ें डालनी है डाल दिया है, लेबल लगा दिया है, नाम लगा है और ख़ासकर उसके अंदर जो सामान है उसे भी स्पेशली पैक किया है, क्योंकि फ्लाइट से तो वो सामान नीचे फेंक देते हैं, इसलिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो बस इतना ही नहीं, लेकिन आप देखिए जैसे बारबी एकेंस के साथ प्लान्स बनाती है कि इस बार उन्हें बच्चों को किडनैप करके ही रहना है। अच्छा एकेंस, तो तुमने सारे प्लान्स बना दिए हैं ना जैसे मैंने कहा है? हाँ मालिक, जैसे आपने कहा है, इस बार ज़ेब्रा के बच्चों को चुराने के लिए मैंने जो प्लान्स बनाने चाहिए थे वो सब ठीक तरीके से, ठीक अंदाज से बनाया है। सोच लीजिए मैडम कि इस बार हमें ज़ेब्रा के बच्चे ज़रूर मिलेंगे, उन्हें हम इस बार गलती से भी नहीं खो सकते हैं मैडम, इस बार पक्का है। पक्का तो होनी ही चाहिए एकेंस, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती से भी उन्हें सियोल सिटी में मत ले जाना, सियोल सिटी दुश्मनों का अड्डा है, अड्डा, इसलिए गलती से वहां जाना भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस बार हम बच्चों को सिर्फ किडनैप नहीं करेंगे बल्कि उन्हें बेच भी देंगे। जहां बेचना है वो सब मैं बाद में प्लान करूंगी, लेकिन मुझे पता चला है कि मई 4th या 5th को, यानी कि कल या उसके अगले दिन को, वो एरिज़ोना पे आ रहे हैं। जब आएंगे तो आधे रात को जब सब गहरी नींद में सो रहे हैं, तब हम बच्चों को एक दादी अम्मा की रूप में आकर
बोलेंगे कि हमें बहुत भूख लग रही है, लेकिन हम पानी या खाना लाने के लिए फॉरेस्ट तक नहीं जा सकते हैं। हम बच्चों को फॉरेस्ट तक भेजेंगे, उसके बाद हम उनसे तेज जाएंगे हमारे असली रूप में वहाँ पहुँच के। खासकर तुम वहाँ जल्दी पहुँचोगी और उन्हें बेहोश करोगी। कैसे? वो भी डरा के। जब वो बेहोश हो जाएंगे तब उन्हें अच्छे से एक डिब्बे में पैक कर लेना और उन्हें पहले सिंयुक्सा भेज देना। तुम्हें सिंयुक्सा पता है ना? उसके बाद से सीसीटी ले जाना और खासकर वहाँ ले जाना जहाँ पर तुम रहती हो। तुम तो एरिज़ोना में ही रहती हो ना? एरिज़ोना में तुम्हारे घर के पास ले जाओ और उनके साथ फिर से वो सारे काम करवाओ जो तुम्हें करवाना है। सुन, समझ गई होगी ना? इरिगेशन। पिछली बार तुमने जब उन्हें किडनैप किया था तब तुमने उसके साथ इरिगेशन करवाया था, लेकिन वो ठीक से नहीं कर रहे थे, इसीलिए तुमने उन्हें एरिज़ोना से कहीं और भेज दिया। उसके वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ऐसी गलती फिर से मत करना। बहुत बखूबी से तुम्हें अपना काम निभाना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। इस बार गलती हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। तुम जानती हो ना कि चीतुका मैम को 20 करोड़ रुपए की बहुत ज़रूरी है, यानी कि ज़रूरत है। उसके लिए हमें उनके बच्चे भेजने होंगे। उनके बच्चों में से हर बच्चे को नहीं भेजेंगे। जैसे कि तुम पियमोन को रख सकती हो इरिगेशन के लिए, वो तो पढ़ाई में बेकार है और कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। इसीलिए जिन्हें भेजना है वो सोच समझ कर भेजेंगे, और जिन्हें रखना है उन्हें सोच समझ कर ही रख लेंगे। तो तुम समझ गई हो ना? हाँ मैम, हाँ। लेकिन मैम एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर बच्चे ने कुछ गलती कर दी और उन्हें बता दिया कि वो ज़ेरेब्रे के बच्चे हैं, उनके नहीं, और वो नहीं आना चाहते हैं, तो फिर से ज़ेरेब्रे को वो अपने बच्चे बेच देंगे। इस तरीके से ज़ेरेब्रे अपने बच्चे को पा लेंगे। अरे उसे छोड़ो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं मैम, क्योंकि अगर ज़ेरेब्रे को उसके बच्चे मिल गए हैं तो ज़ेरेब्रे हम पे केस डाल लेगा। ज़ेरेब्रे नहीं, ज़ेरेब्रा, मैंने कितनी बार कहा है। और जो भी हो मैडम, वो ज़ेरेब्रा केस डाल देगा और हमारे लिए ये तकलीफ हो सकती है, क्योंकि महिला समिति वालों आपको महिला समिति से निकाल देंगे और ओरिजिनल पुलिस वालों तो आपको जेल ही कर डाल देंगे। और वो हम तक पहुँच सकते हैं तो वो चीतुका मैडम के तक पहुंच सकते हैं, और चीतुका मैम की जीने का पता उन्हें पता चल जाएगा तो ज़ेरेब्रा आके चीतुका को मार डालेगा। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर चीतुका मैडम नहीं है तो हमारे काम नहीं होंगे। हाँ तुमने बात तो सही कहा है कैम, चीतुका मैडम नहीं रहेंगी तो हमारा काम नहीं होगा। इस बार बहुत सोच समझ कर ही हमें ये सब करना पड़ेगा, वरना बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम किसी और काम को चीतुका मैम को दे दें और ये काम हम खुद ही संभाल लें, तो यानी कि अगर चीतुका मैम इस बच्चों की किडनैप के बारे में कुछ जानती नहीं है तो चीतुका मैम थोड़ी ना फंसेगी, हम फंसेंगे, और चीतुका मैम धीरे धीरे हमें बचा लेंगी। इस तरीके से हम बच सकते हैं और चीतुका मैम को भी बचा सकते हैं। हम सब बचेंगे तो कितना आसान हो जाएगा ना हमारा काम। इसीलिए सोचो एकांत, सोचो। जिस तरीके से मैंने प्लान किया है उस तरीके इसको इस्तेमाल करते हुए ना हमें परेशानी हो सकती है ना किसी और को। हाँ मैम, बात तो ये भी सही ही है। तो देखा आपने किस तरीके से बारबी और एकांत तैयार हो रहे हैं अपने ज़ेरेब्रे के बच्चों को चुराने के लिए। लेकिन ज़ेरेब्रे को रोकना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। मैं भी उस एकांत की तरह ज़ेरेब्रे क्यों बोल रही हूँ?